हाउ इज़ वर्किंग विद हानिया, कोई कोई चीज़ बताएं हमें हानिया की. आई थिंक हानिया इज़ अमेजिंग टू वर्क विद. मुझे तो बड़ा मज़ा आया काम करने में. हमारे सीन्स बहुत ऐसे ऐसे सीन्स लिखे हुए थे और बड़ी शी वॉज़ वेरी हेल्पफुल इवन सीन्स के दौरान. ओके. और हर चीज़ में मुझे आई रियली एंजॉयड वर्किंग विद हर एंड शी वॉज वेरी, मुझे ऐसा लगा शी वॉज वेरी इजी टू वर्क विद. मतलब आप, मैं ये कहता हूँ कि जब तक आप, चाहे वो एक्टर हो चाहे वो डायरेक्टर हो, जब तक आप उस एक्टर के साथ काम ना करें, डोंट से एनी थिंग अबाउट दैम, डोंट से टॉक एनी नेगेटिव पॉइंट्स इवन अबाउट दैम. सही बात कह रहे हैं. तो वो लोग बातें कुछ करते हैं, जब आप एक्चुअली में काम करते हैं तो आपको पता चलता है कि यार देयर सो नाइस, देयर सो काइंड एंड आई थिंक शी इज वन ऑफ देम. सो इट वाज लवली वर्किंग. टेल अस समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट हानिया जो ऑडियंस को शायद इतना नहीं पता, उनके फैंस को नहीं पता. आपने तो काम किया सेट पे. आई थिंक शी डजंट टॉक अ लॉट. जब शी हैज, आई थिंक शी हैज मूड्स. तो वो जब मूड में होती है तो शी पता चल जाता है कि शी इज वेरी हैप्पी. अच्छा. तो वो फिर या तो शूट के बाद जो है कोई प्लान है. अच्छा. कोई किसी चीज़ का. और जब शी इज़ नॉट इन अ गुड मूड तो वो भी पता चल जाता है. तो आई थिंक ये इंसान का एक थोड़ा सा होना चाहिए कि उसको एक आइडिया हो जाए आपको कि वो किस मूड में है. Okay. लेकिन द बेस्ट पार्ट इज कि जब सीन की बात आई, जहाँ सीन की बात हुई, देन शी इज़ वेरी एक्टिव. यस, वेरी प्रोफेशनल. तो ये चीज़ें हैं. And how is working with Farhan? आपको भी, आप भी गाते हैं, वो भी सिंगर हैं. कभी हुआ बैठ के गाने का कुछ? हुआ नहीं, पर हाँ हम वो भी गुनगुना रहे होते हैं, मैं भी गुनगुना रहा हूँ. तो ये कभी ऐसा हुआ दोनों ने एक ही गाना गुनगुनाया? नहीं, ऐसा अभी तक हुआ नहीं. हाँ, वो हम अक्सर या ऐसा होता था उन्होंने गुनगुनाया तो आपने जवाब में ये गुनगुनाया. नहीं, हम इस तरह होता है कि ये वाला हमारा जो अपना ड्रामे का सॉन्ग है मेरे हम सफर का, ये चल रहा होता है हमारे मुंह पे चढ़े हुए होते हैं, तो वो भी अक्सर गा रहे होते हैं. इट्स सच अ लवली सॉन्ग. It is. तो मैं भी उस सॉन्ग को गा रहा होता हूँ थोड़ा सा तो. लेकिन सबसे ज़्यादा इन्जॉय करते हैं कासिम भाई, क्योंकि कासिम भाई बड़े जो है ना अच्छे लिसनर हैं. और वो बड़ी मौसीकी को पसंद करते हैं. तो जब मूड में होते हैं ना यार, वो खुद भी गाना शुरू कर देते हैं. अच्छा, खुद भी गाते हैं वो. अच्छा. तो फिर वो एक अलग ही महफिल लग जाती है. मैं भी गा रहा हूँ, एक और हो जाए, एक और हो जाए. दैट्स वेरी नाइस. आई वुड लव टू बी देयर. मुझे इतना मज़ा आता है. मैं भी आप, ऑफ कोर्स मैं इंटरव्यू की तैयारी करी थी, मुझे इतना मज़ा आ रहा था. मैं आपकी सुन रही थी. आई जस्ट लव योर वॉइस. मुझे एक, मैंने पता नहीं पुराना मजाक रात का निकाला, उसमें भी आपने एक बहुत ही खूबसूरत गाना गुनगुनाया हुआ है. तो अभी क्या सुना रहे हैं आप हमें? ये हमसफर वाला थोड़ा सा. मेरे हमसफर का? हाँ. तस्वीर मन में बसी यार की, तस्वीर पड़ी तेरे प्यार की, दिल ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है, तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जामे मोहब्बत जहे आशिकी है. थैंक यू. अगर हाला को, हाला से माफी मांगनी है तो क्या गुनगुनाएंगे? हाला से माफी मांगनी है? ओ अल्लाह. हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले, हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले, क्या क्या हुआ दिल के साथ, क्या क्या हुआ दिल के साथ मगर तेरा प्यार नहीं भूले. दिस इज सच अ लवली सॉन्ग. दिस इज लाइक वन ऑफ द क्लासिक्स ना. अच्छा, अब अगर समीन से इजहार मोहब्बत करना तो यार ये अब देखिए, मैं आपको इतना चांस दे रही हूँ आपके फेवरेट सॉन्ग्स गाने का. समीन से. दिस इज इंटरेस्टिंग. आई बट ये भी बहुत अच्छी चॉइस थी आपकी, है ना? ये दिस इज गुड. या छू लिया तूने लफ्ज आंखों को, मन्नतें पूरी तुमसे ही, हाँ तो मिले जहाँ मेरा जहाँ है वहाँ, रौनक है सारी तुमसे ही, पिया रे पिया रे पिया
चले, थैंक यू सो मच. अच्छा मैंने आपके इंस्टाग्राम से कुछ तस्वीरें निकाली हैं. आई वॉन्ट टू नो कि इस पे हो क्या रहा था पीछे. हो गया. अच्छा ये क्या स्टोरी है? बर्गर दो ही अच्छे. आई सी यू सो स्लिम सो फिट और दो दो बर्गर्स. मैं जब ये क्या ये जस्ट फॉर द पिक्चर क्योंकि मेरा आई चीट वंस इन अ वीक. तो वो जो एक दिन होता है ना वो फिर मैं प्रॉपर्ली सही एंजॉय करता हूँ. सो दो टू बर्गर्स यू कैन हैव आराम से. यस टू बर्गर्स वन लार्ज फ्राइज. ओके सो ये दूसरा ये वाला ये भी अकेले या ये आप दावत किसी को दे रहे हैं दावत? ये मैंने वर्कआउट किया था सैटरडे था सो आई डिड लेग्स. उसके बाद फिर हमने वहीं ऑर्डर किया जिम में. एंड देन आई हैड बिकॉज़ ये कोई चार पिज्जास तो नजर आ रहे हैं मुझे. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है. वाओ. तो इसमें मैं था और मेरा पार्टनर था जिम का. यू गाइस फिनिश्ड इट ऑल? यस यस वी फिनिश्ड इट. अमेजिंग. अच्छा मैंने सोचा कोई मतलब वैसी पिक्चर के लिए शायद आपने ना इंस्टा के. नो नो जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन. जब मैं पिक्चर होती भी है तो उसके बाद ऐसा नहीं होता कि मैंने खाया ना हो. लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब ये सिर्फ मैंने पिक्चर के लिए. और आई एक्चुअली ईट इट एंड आई एम वेरी फूडी. मैं बड़ा फूडी हूं. आई नो इसके बाद आई हैव दिस डिसिप्लिन इन माय लाइफ जो कि मैं उसको साथ लेके चलता हूं. मैं उसको कुछ कर नहीं सकता. बट टेम्पटेशन जब होती होगी तो क्या करते हैं? बहुत ज्यादा. या और ये आप ट्रेन हो गए हैं आप? बहुत ज्यादा. मैंने कुछ चीजें जब बहुत ज्यादा मेरा जैसे वीक में मैं सैटरडे को चीट करता हूं और जब वो जैसे मुझे बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है वेंस थर्सडे को तो मंचिंग के लिए कुछ चीजें मेरे पास होती हैं तो मैं उससे अपना गुजारा कर लेता हूं. सो इट्स ऑल डाइट फूड दैट यू ईट. इट्स ऑल एट द एंड व्हाट यू ईट. और नहीं बट आपके स्पेशल डाइट फूड होता है? यस यस यस. प्रोटींस एंड प्रोटीन कार्ब्स. उन्होंने ये पूछा सवाल किया कि आप अपनी ना जर्नी शेयर करें उन लोगों के लिए जो कि एक नए टैलेंट है जो कि इंडस्ट्री में आना चाहते हैं. तो आप अपनी बताएं फिटनेस के बारे में भी इस चीज़ के बारे में भी द थिंग्स दैट यू एक्चुअली फेस्ड एंड यू थिंक दैट दीज आर द थिंग्स दैट वेरी डिफिकल्ट एंड यू कैन फेस इन द इंडस्ट्री जो कि इतना आसान नहीं है और बड़ा मुश्किल है और बड़ा. तो मैंने उन चीज़ों को शेयर किया और उसमें वो वाली मैंने जगहें ज़्यादा मैंने अपनी बातें मैंशन की जो एक्चुअली मैंने डिफ़िकल्टीज जिसमें बहुत ज़्यादा मैंने इंडस्ट्री में फेस की हैं. एंड फिटनेस वॉज एक्चुअली वन ऑफ अ थिंग जिसमें पीपल स्टार्टेड सेइंग कि यार ये तो बड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, ये तो सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा है अपनी फिटनेस के बारे में. हालांकि होता ये है कि जब आप जर्नी शेयर करते हैं जब आप अब मैं अगर सिर्फ पॉजिटिव बातें बता रहा हूँ ठीक है ना तो लोग बोलेंगे यार ये तो बड़ा बहुत पॉजिटिव है यार ये तो बड़ी आसान है जिंदगी है ठीक है. आप हर चीज़ को पॉजिटिव लेते हैं आप. इट्स अ गुड अप्रोच होना भी ऐसा ही चाहिए. लेकिन जब आप वो चीज़ें शेयर करते हैं जो कि सिर्फ आपको पता है और आपके अल्लाह को पता है ठीक है या फिर उस इंसान को पता है जिसके साथ आपका काम का एक एक्सपीरियंस रहा है लोगों को नहीं पता. जब आप वो चीज़ सामने रखते हैं तो जाहिर सी बात है वो बताने में नेगेटिव लगती है कि यार ये तो एक बड़ी नेगेटिव सी बात है. और ये तो उस चीज़ को आप इस तरीके से लो कि मैं एक्चुअली में वो चीज़ मैंने खुद से पर्सनली फेस की है इसीलिए आप शेयर कर रहे हैं ठीक है ना. मैंने इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ तो आने वाले लोगों के लिए जो कि जिन लोगों को लगे कि वो चार तस्वीरों के साथ या वो जिस तरीके से भी आए बिकॉज आई हैड नो बैकग्राउंड. मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था मीडिया का. आई स्टिल आई वुड से आई हैव नो फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री. आई हैव बीन वर्किंग आई एम ऑन माई ओन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है. तो ये एक जैसे मैंने आपको बताया कि जब शुरू में मैं चीज़ों को हावी कर रहा था तो फिर मैंने उस चीज़ को भी रियलाइज़ किया कि मैंने उन चीज़ों को ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए. तो बस जो चीज़ आ रही है अपने काम के साथ आपका काम एट द एंड जो है ना मैटर करता है और लोग फिर उसी के बारे में बात करते हैं. तो मुझे अपनी फिटनेस की भी अगर मैं बात करूँ तो अभी आप बात कर रही थी तो इसको लेके भी जो है ना चीज़ें बड़ी आपको फेस करनी पड़ती हैं. इट्स नॉट दैट ईजी. जितना ये काम मुश्किल है उतना ही उस चीज़ को फिर कैरी करना और उसको फिर सही तरीके से आगे लेके चलना पहुंचाना तो वो बड़े पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे आपके यू नो देर आर पॉइंट्स के जहाँ पे आपका एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है. आप कहते हैं कि यार मैं क्यों अपने साथ इतनी मेहनत कर रहा हूँ व्हाट आई एम गेटिंग आउट ऑफ इट ठीक है ना. आप को भी देखें अच्छी तरह पता है कि इस इंडस्ट्री में ये चीज़ें थोड़ी सी ज़रा हम थोड़ी है बैकवर्ड. ये बिल्कुल सामने ये चीज़ इतनी ज़्यादा इस चीज़ को नहीं लेते.